कभी सोचा नहीं था कि 8000 के अंदर 5 वोल्ट डिस्प्ले वाला फोन मिल सकता है। वेल फाइनली लॉन्च करने वाला है इन्फिनिक्स की तरफ से अपकमिंग स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट एस 5। देखो भैया, इसकी जो डिजाइन है बहुत ही यूनिक है, मतलब ये जो फोन है बहुत स्पेशल है और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपको बताऊंगा इस फोन के अंदर क्या क्या मिलते हैं। बहुत सारे लोग इस फोन की बुराई कर रहे हैं, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब ये फोन लॉन्च करेगा और इसके अंदर क्या क्या मिलते हैं वो सब आगे आपको पता चलेगा। अगर आपको इस वीडियो को पूरा देखते हो तो ऑब्वियसली इस फोन को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इवन आपको ये पता चलेगा कि आपको इस फोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर दूसरे फोन परचेस करना चाहिए। तो फाइनली जान लेते हैं कि इस फोन के अंदर क्या क्या मिलते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपडेट करूँ तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। देखो भैया, डिजाइन बहुत ही यूनिक होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 8000 के अंदर आपको 500 डिस्प्ले वाला फोन देखने को मिलता है। ये एक लौता फोन है, ओके। और उसके बाद बात कर लेते हैं डिस्प्ले। देखो भैया, डिस्प्ले आपको 6.52 इंचेस के आपको HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि IPS LCD डिस्प्ले होने वाला है विद 5 होल डिस्प्ले, यानी आप कह सकते हो और डिस्प्ले के अंदर एक छेद है। इसके अंदर आपको मिलने वाला है 4GB की रैम, 64GB की रोम। उसी के साथ साथ इसके अंदर जो परफॉर्मेंस होने वाला है वो एक इस फोन के अंदर कमियां हो सकते हैं। हालांकि इस प्राइस रेंज को कंसिडर करते हुए ये ठीक ठाक है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेगा मीडियाटेक की हेलियो P22 की चिपसेट, जो कि गेमिंग के मामले में अगर आप पबजी या फिर फ्री फायर खेलते हो तो स्मूथ में आप खेल सकते हो विदाउट लैग्स। तो यस, गेमिंग के अंदर भी ठीक ठाक है। इस फ्रेश रेंज के अंदर एक्सपेक्ट तो आप बहुत ही ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन कंपनी अगर देता नहीं तो आप क्या कर सकते हो, है ना। तो देखो यार, यही एक डाउन पॉइंट है जो कि मीडियाटेक की तरफ से आने वाला ये चिपसेट। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो कि आपको कैमरा मिलते हैं, पीछे के साइड आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है, पीछे के साइड आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। जी हाँ, 13+2 की डुअल रियर कैमरा है और 8 के आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और इस फोन के अंदर एज द रूमर्स कहा जा रहा है कि इसके अंदर 5000mAh की बिग बैटरी हो सकते है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स के मुताबिक इस फोन के अंदर 4000mAh की बिग बैटरी मिल सकते हैं। जी हाँ, 4000mAh भी कम नहीं है। तो इस फोन के अंदर मेरे अकॉर्डिंग 4000mAh की बैटरी हो सकती है। तो ओवरऑल आपको सारे से समझ में आया होगा कि इस फोन के अंदर क्या क्या मिल सकते हैं, क्या क्या नहीं। और इस फोन के अंदर आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा, 3.5mm के हेडफोन जैक देखने को मिलेगा और बाकी जितने भी सेंसर वगैरह है वो सब आपको देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक की सारे चीज आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात ये कह दूं कि इस फोन के अंदर जो खास चीजें है उसकी डिजाइन है, मतलब डिजाइन बहुत ही कड़ाक होने वाला है। 8000 के अंदर आपको 500 डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। वेल मैं तो एक्साइटेड हूँ इस फोन को लेकर, आप एक्साइटेड हो या नहीं कमेंट करके जरूर बताना। जो लोग कह रहे हैं कि इस फोन के अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, उनसे मैं कह देता हूँ कि इस फोन के अंदर सब कुछ मिलने वाला है। जस्ट आप इमेजिन करो कि 8000 के अंदर आपको क्या क्या दे रहे और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जी हाँ, ये तो Xiaomi नहीं है, Realme नहीं है कि सब कुछ आपको भर भर के देगा 8000 के अंदर, है ना। तो यार इस मतलब Infinix जो कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, थम्स अप Infinix। तो वेल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बहुत ही गर्म है तो पसीना छूट रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।